गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। सुबह हो गई है, दोनों बच्चों ने खाना खा लिया और खाना खा के मैं अपनी ऑनलाइन क्लास इनको खिला के मैं अपनी ऑनलाइन क्लास कर रही थी और मुझे 1 घंटा हो गया क्लास करते करते। ये लोग तब से लड़ने में लगे हुए हैं और लड़ने में ही लगे हुए हैं, उनकी लड़ाई बंद ही नहीं हो रही है। ये देखो, और वो छुटंका उसको शमशीरों को तंग करके सोफे के नीचे घुस जाता है, फिर शमशीरा उसके पीछे भागता है। यही चल रहा है पिछले आधे 1 घंटे से। पूरा 1 घंटा झगड़ लेने के बाद अब ये सोए हैं और अब ये सोएंगे पूरा 2 घंटे के लिए। पूरी अच्छे से एनर्जी अपनी रिस्टोर करेंगे, फिर उसके बाद फिर झगड़ा होगा इनका। झगड़ा भी अच्छा लगता है और ये शांति भी अच्छी लगती है, दोनों ही अच्छी लगती है। सम्राट इतना बदतमीज़ हो गया, इतना बदतमीज़ हो गया, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। इसको बाहर जाके मिट्टी खानी है और इसको ये रेलिंग के बाहर बैठना है, बालकनी से बाहर, अंदर साइड नहीं बैठना। इतना चै 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 करता है। इसकी वजह से मैं शमशेरा को बाहर बांध पाती हूँ, क्योंकि अगर शमशेरा को अकेले बाहर छोड़ूँ तो ये अंदर से चै चै करता है, और इसको खुला छोड़ दूँ तो ये यहाँ से निकल के भाग जाता है, और बांध के रखूँ तो कैं 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 इसकी चालू रहती है, जीने नहीं देता भाई ये लड़का। इसकी वजह से 2 दिन से शमशेरा बाहर बालकनी में नहीं बैठा उसको, जबकि बालकनी में बैठना इतना पसंद है उसको। मैं खुला भी छोड़ती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये निकल जाता है, फिर इसके पीछे शमशेरा ना निकल जाए इस बात का डर है, इसलिए उसको भी बांधना पड़ता है। परेशान कर दिया इस लड़के ने मुझे 2 दिन से, देखो। और अभी भी उसको बस बाहर निकलना है, बाहर, उसको अंदर बैठना ही नहीं है, बाहर निकलना है। और कैं 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 लगा हुआ है, लगा हुआ है। कुछ भी हो जाए, इस सम्राट को करने उल्टे काम ही है। शमशेरा इतना एंजॉय करता है बालकनी में बैठना, लेकिन इस सम्राट ने ना उसकी ऐसी की तैसी कर रखी है, उसे बैठने नहीं देता ये किसी भी तरह से। इतना बदतमीज़ है ये लड़का, तब से कैं 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 लगा रखी है। नोनू आराम से अंदर आओ। जैसे मुझे थोड़ी देर हो जाती है, मैंने शमशेरा से बात नहीं की होती, तो शमशेरा आता है मेरे पास और मुझे प्यार करने लगता है। और ये कभी ना कब से किचन में बैठा हुआ है, क्योंकि मैं किचन में खाना बना रही थी, तो इसको पता है कि मम्मा कुछ ना कुछ सब्जी वब्जी काटती है तो मुझे दे ही देती है। तब से किचन में बैठा हुआ था। अभी मैंने शमशेरा को प्यार करते हुए सिर्फ इतना बोल दिया था, ले शमशेरा, भागता हुआ आया उधर से, और जब उसने देखा कुछ नहीं है फिर चला गया। ये इसको बस खाने के लिए चाहिए और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है उस लड़के को। अभी मैंने इनका खाना बनाया था, खाना गर्म था तो मैंने बर्तन में डाला था, मैंने सोचा तब तक ठंडा हो जाएगा, और ये वेट करता करता वहीं सो गया। और जब अभी खाने का टाइम भी नहीं हुआ है और वहीं सो गया। मैंने सोचा तब तक ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अभी बनाया गर्म है, और वो महाशय वहीं सो रहे हैं। मैंने सोचा अब थोड़ा जाके बेड में रेस्ट करती हूँ, इनको खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया है, 2:15 होने वाला है। और जब तक मैं अपने बेड पर आती हूँ तो देखा कि भाई पूरा बेड घेर के बैठे हैं दोनों के दोनों। भाई साहब, मैं कहाँ बैठूंगी, मैं कहाँ बैठूं बताओ। इस घर के चौधरी को देखो, कितने ध्यान से बाहर की बातों को सुन रहे हैं। बाहर लोग बोलते हैं ना, आवाज़ आती है तो ध्यान से सुनता है कौन क्या बोल रहे हैं, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन कहाँ जा रहा है, सब ध्यान से देखता है ये चौधरी कहीं का। छोटे चौधरी, उनको सोने से फुर्सत नहीं है, या उठेगा तो लड़ने से फुर्सत नहीं है, बस 2 ही काम है उसके। और इसको देखो, ये महाशय ध्यान से देखा जा रहा है, कब से बैठा हुआ है यहाँ पे, कब से। अब ये बाहर देख देख के थक गया है, अब आंखों में नींद भरी पड़ी है, सो जाओ भैया, नींद आ ही रही है तो सो जाओ, क्या करोगे, निन्नू हो रहा है तो सो जाओ। ये इतना क्यूट सा फेस बना के क्यों दिखाते हो मम्मा को। खाना खा लिया है दोनों ने, खाना खा के बाहर जाके आ चुके हैं, और ये आके बैठ गया मेरे पास कि मम्मा आप पहले मुझे प्यार करो। रोज़ का है उसका, पहले उसे प्यार चाहिए होता है सोने से पहले। और वो भैया सो गए उधर, देखो बड़ी शांति से बैठा है भाई, क्या बात है। कुछ बदमाशी करी होगी पक्का, करके आया होगा कुछ शैतानी इधर उधर, तभी बैठा है, वरना बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लड़के को खेलना है अब, और उसका अब खेलने का मन है नहीं, तो ये पहले टॉय लेके गया था उसके पास, अब आया है मेरे पास। वो सो गया है, उसका हो गया, वो नहीं खेलने वाला, नहीं खेल रहा। भैया लो मुझे दे दो टॉय, दे दो, दे दो टॉय, दे दो टॉय अपना, दे दो। पूँछ हिला रहा है लेकिन दे नहीं रहा गधा। वो महाशय सो रहे हैं वहाँ पे, और ये आ गए इधर सोना मेरे बेड पे, इसको यहीं सोना है।
ये यहीं सोता है हमेशा, ये देखो बस सोया लड़का मेरा। अब दोनों सो गए हैं, 10 भी बजने वाले हैं, मैं भी सो जाती हूँ आज जल्दी, थोड़ा सा काम खत्म हो गया है, बस सोती हूँ। इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, जल्दी से मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में।